नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात महाशिवरात्रि की। गुरुवार को देश भर में महाशिवरात्रि की धूम रही। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बिहार झारखंड के तमाम शिव मंदिरों पर आस्था की भीड़ देखी गई। इस मौके पर बाबा नगरी देवघर में लाखों शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। हिंदू धर्म में वैसे तो हर माह शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन माह में होने वाली शिवरात्रि का खास महत्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं शास्त्रों की माने तो इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में भी प्रकट हुए थे। इसके बाद से हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार माना जाता है। आपको दिखा रहे दो तस्वीरें पटना और बेटा की, जहाँ सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगी हुई हैं। और तीन तस्वीरें आपके सामने झारखंड के जमशेदपुर देवघर गुमला की, जहां पर काफी संख्या में भीड़ सुबह से ही लगी हुई है मंदिरों में। देवघर जो बाबा नगरी भी कही जाती है, जहां हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा और मोतिहारी की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से ही किस तरह कतारों में लोग अपनी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि वो मंदिर पहुंच सके और मंदिरों में शिव भगवान शिव का दर्शन कर सके। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ का एक खास महत्व है, जैसा कि बाबा नगरी में देवघर का है, वैसे ही मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ का है। दोनों जगह की अपनी मान्यताएँ हैं और मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी संख्या में लोग जुटे गरीबनाथ मंदिर के बाहर और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भीड़ जो है सुबह के 4 बजे से ही लगनी शुरू हो गई। तो आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर, सहरसा, मोतिहारी की तस्वीरें। तो देश भर में हर तरफ महाशिवरात्रि की धूम रही। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा अर्चना की। इसके बाद वे मंदिर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। समारोह की शुरुआत हेमंत ने शिव और पार्वती की पूजा करके की। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई भी दी। शुभ अवसर पर यहाँ हमारे श्री बारात आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को और सभी यहाँ श्रद्धालुओं को आज के इस पावन दिवस पर मेरी ओर से बहुत बहुत तो झारखंड में जहां मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि की तमाम लोगों को बधाई दी, वहीं पटना के बिहार के राजधानी पटना के खाजपुरा में महाशिवरात्रि का रंग देखने को मिला, जहां कई तरह की झांकियां निकाली गई। इस तरह दौरान श्रद्धालु ने जमकर डांस किया। बताया जाता है कि इस दिन महादेव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसी की याद में श्रद्धालु हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तस्वीरें आपके सामने तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने खाजपुरा की है, जहां पर कई झांकियां निकाली गई है। वहां पर कृष्ण और राधा के रूप में भी लोग नजर आए। तस्वीरें आपके सामने, तमाम तस्वीरें आपको झारखंड और बिहार की अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, जमशेदपुर, गुमला, देवघर, जहां पर सुबह से ही लंबी भीड़ देखी गई श्रद्धालुओं की। हालांकि देवघर में इस बार शिव बारात नहीं निकाली गई है। पिछले 27 वर्षों में यह पहली बार ऐसा मौका है कि कोरोना को देखते हुए बारात नहीं निकालने का फैसला लिया गया है, लेकिन फिर भी भीड़ में कमी नहीं देखी गई। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा और कई ज़िलों से तस्वीरें हमारे सामने आई। मोतिहारी की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों श्रद्धालु जो है मंदिरों में पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के आगे तो एक तरफ जहां झारखंड में
झारखंड में जहां हेमंत सोरेन शिवभक्ति में रमे नजर आए, वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी पटना के खाजपुरा की, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और लोगों को बधाई दी शिवरात्रि की। तस्वीरें आपके सामने हैं खाजपुरा की, जहां पर शिव महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंचे और वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया। साथ ही नीतीश कुमार ने इस मौके पर तमाम राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। आपको बता दें कि यहाँ से कई झांकियां भी निकाली गई हैं, शिव बारात निकाला गया और तरह तरह के लोगों ने वेशभूषा धारण कर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली, झांकियां निकाली। तस्वीरें आपके सामने, जहाँ कई मुख्यमंत्री के साथ कई नेता भी मौजूद हैं, उन्होंने तमाम राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी है। चलिए लौटते हैं कुछ राजनीतिक जगत की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमले के आरोप के बाद नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर जमकर उत्पात मचाया है। कार्यकर्ताओं ने कदम बागची रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोकने के अलावा कई जगह सड़क जाम कर दिया। वहीं इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी लगातार ममता पर हमलावर रहे। बीजेपी जहां इसे चुनावी स्टंट करार दे रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे लोगों की सहानुभूति लेने का तरीका बताया है। आपको बता दें कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी घायल हो गई थी। ममता ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत उन पर हमला किया। पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी का मामला उठाते हुए एक बार फिर नीतीश सरकार की जमकर किरकिरी की। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। बिहार सरकार के कई मंत्री इसमें संलिप्त हैं, लेकिन सीएम नीतीश इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यही नहीं, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को ही बिहार का शराब माफिया करार दे दिया। उन्होंने कहा कि असल में सूबे में शराबबंदी तो है ही नहीं, सूबे के शराब माफिया कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम नीतीश कुमार हैं। इस दौरान तेजस्वी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा भी की। एक तरह से बस दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से है, ये आता कहां से शराब? तो हम तो कह रहे कि जो शराब माफिया है, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में, असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी, और हम लोग चाहते हैं कि वहीं इस मामले पर अब बीजेपी ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री रामसूरत राय के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दो की बातें जोड़कर तेजस्वी मंत्री पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। निखिल ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी ने सुपारी ले रखी है दूसरे दलों के उभरते हुए यादव नेताओं के चरित्र हनन करने की, क्योंकि लालू यादव की भी यही रणनीति रही है। और कहीं का रोड़ा जोड़कर तेजस्वी यादव मंत्री जी रामसूरत राय पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सुपारी ले ली है दूसरे दल के उभरते हुए यादव नेताओं का चरित्र हनन करने के, लालू जी की भी यही रणनीति रही है। अनूप लाल यादव, विनायक प्रसाद यादव, गजेंद्र प्रसाद, हिमांशु, देवेंद्र यादव और अनगिनत यादव नेताओं को जीते जी राजनीति में मार दिया। इनको दिक्कत है रामलखन सिंह यादव के परिवार से, बुद्धदेव बाबू के परिवार से, दरोगा प्रसाद राय के परिवार से और वीपी जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे। यहां पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 13 मार्च को किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी। इस दौरान बिहार में एक भी ट्रेन नहीं चलने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी का समर्थन करती है और बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगी। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार बीजेपी जिला परिषद की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँवों को शहरों की तरह विकसित करने का दायित्व उन्हें सौंपा है, जिसको पूरा करने के लिए इस बार बजट की सबसे ज्यादा राशि पंचायती राज विभाग को आवंटित की गई है। इस मौके पर बीजेपी के कई और नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है
कि हम जिला परिषद के चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे उसको हम सहयोग करने का काम करेंगे, समर्थन देने का काम करेंगे। हम ना दूसरे किसी पद पर हम चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन जिला परिषद के चुनाव में पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि हम राज्य में बालू खनन को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नदियों पर बने सभी पुलों के आसपास से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल यह फैसला पुलों की नींव को हो रहे नुकसान की सूचना मिलने के बाद लिया गया है। सरकार ने नदियों पर बनाए गए पुल या निर्माणाधीन पुलों के आसपास बालू के खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।